रामनवमी पर शोभा यात्रा के दौरान उपद्रव की तस्वीरें पश्चिम बंगाल के हावड़ा की हैं। हावड़ा के शिवपुरी इलाके में उपद्रवियों ने भारी उत्पात मचाया, गाड़ियों में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। एक दो नहीं बल्कि कई गाड़ियां जला दी गई। सड़क किनारे रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों की ठेले तक नहीं छोड़े गए। उपद्रवियों ने ठेले पर रखा सामान बिखेर दिया और आग लगा दी। आरोप है कि रामनवमी पर शोभा यात्रा के दौरान सड़क किनारे बने घरों से पथराव किया गया, जिसके बाद हालात बिगड़ने लगे। आरोप ये है कि पत्थरबाजी के बाद भगदड़ मची और फिर उत्पात शुरू हो गया। आरोप ये भी है कि जिस वक्त उपद्रव हो रहा था, पुलिस के जवान वहां मौजूद थे, लेकिन शिकायत करने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। भीतर से लोग आ गए हैं और धक्का मुक्की करने लगे हैं। प्रशासन को मैंने माइक से चिल्लाया कि सर इनको देखिए, कुछ नहीं हो रहा। उसके बाद धक्का मुक्की की और उसके बाद एक बम छूटा और उसके भीतर से कांच के गोले फेंकने लगे वो लोग। फिलहाल इलाके में तनाव को देखते हुए भारी सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। एक तरफ हावड़ा का शिवपुरी इलाका हिंसा की आग में सुलग रहा है, तो वहीं शिवपुरी कुछ और गलियों में हिंसा की तस्वीरें देखने को मिली। एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज लोयबाल जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो गलियों में गाड़ियां पलटी हुई थी। सड़कों पर इस समय क्या है माहौल शिवपुरी इलाके में, वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर गाड़ियां उल्टी हुई हैं और एबीपी न्यूज सबसे पहला चैनल है जो आपको ये सारी तस्वीरें जीटी रोड और शिवपुर थाने इलाके से दिखा रहे हैं। गाड़ी ऑटो किसी को भी नहीं बख्शा गया है। आसपास इस इलाके में सन्नाटा इसलिए पसरा है क्योंकि पुलिस ने आंसू गैस के गोले यहां पर छोड़े हैं और उसके साथ ही साथ ये तस्वीरें, ये पूरा रास्ता बंद कर दिया गया है। आगे आगजनी लगातार जारी है, पत्थरबाजी हो रही है तो कहीं स्थिति बिगड़ती चली जा रही है। आंसू गैस के गोले इसलिए छोड़े गए हैं कि लोग आगे पीछे ना जा सकें और जहां जहां संभव है वहां वहां इन गलियों में इलाकों को बंद करके अभी पुलिस हर जगह इसी तरह से नाकाबंदी कर रही है। पत्थरबाजी कहां से होगी ये नहीं पता है, लेकिन ये सारी गलियां इसी तरह की तस्वीरें बयां कर रही है जहां पर ये सारे ऑटो उल्टे हुए हैं और उसके साथ साथ कई ऐसी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। रामनवमी पर पश्चिम बंगाल के हावड़ा में जो कुछ हुआ उसे पूरे देश ने देखा। हावड़ा का शिवपुरी इलाका हिंसा की भेंट चढ़ गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आरोप है कि बार बार हिदायत देने के बाद भी शोभा यात्रा का रूट बदला गया। ममता ने कहा, मेरी आंखें कान खुले हैं, मैं सब कुछ सूंघ सकती हूँ। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से जुलूस निकालते समय मैंने उन्हें पहले ही आगाह कर दिया था कि वे सावधान रहे। मैंने पहले भी कहा है कि रामनवमी की रैली करेंगे तो हिंसा हो सकती है। वहीं बीजेपी ममता के आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजुमदार ने ममता बनर्जी पर लोगों को उकसाने का आरोप लगाया है। ये पूरी तरह झूठी बात है, रॉन्ग रूट की कोई बात ही नहीं। हावड़ा मैदान तक प्रोग्राम का परमिशन था और ममता बनर्जी ने खुद उसकाया लोगों को, मुस्लिम लोगों को, फेनाटिक मुस्लिम में जो है सब नहीं, तो उस फेनाटिक मुस्लिम लोगों को उसकाया कि रामनवमी की जुलूस के ऊपर हमला किया जाए। रमजान का महीना चल रहा है, अब ऐसे में रामनवमी पर हुई हिंसा के बाद पुलिस जो है वो अलर्ट मोड पर है।